नमस्कार जोहार। 25 मई को गिरिडीह में चुनाव है, लोकतंत्र के पर्व का, और उसमें चंद्र प्रकाश चौधरी आसू पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसके पहले भी 2019 में वो वहाँ के सांसद रहे हैं, और 25 मई को उनका जो टेंशन होगा, जहाँ पहले उनका दावा है कि, और यह सच भी है कि इस बार वो रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, और पहले भी लगभग 2.5 लाख वोट से जीते थे, उनकी जीत हुई थी, लेकिन सबसे अधिक उनकी चिंता जो होगी वो जयराम महतो को लेकर होगी, कि अगर जयराम महतो JBKSS के अगुआ और अध्यक्ष और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी के तौर पर और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अगर वो नहीं होते तो उनकी खुशी अलग होती। अब चूंकि जयराम महतो मैदान में हैं और एकदम डटकर हैं, और बहुत कम समय में उन्होंने जिस तरह से अपना एक वोटरों पर अपना एक वर्चस्व बनाया और उनको साथ और समर्थन मिला, तो यह तो उनके लिए बहुत ही एक टेंशन भरा दिन होगा, और उसके लिए उनको 4 जून तक इंतज़ार करना होगा जिस दिन नतीजा आना है। यह ठीक है कि मथुरा प्रसाद महतो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके ऊपर इतने सारे आरोप हैं कि, और ख़ासकर भ्रष्टाचार को लेकर, उनके मुख्यमंत्री जो पूर्व अब हो चुके हैं हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं, उनको जमानत भी नहीं मिल रही है, जिस तरह से एक प्रयास हुआ था कि चुनाव प्रचार को लेकर उनको, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत मिली है 1 जून तक, मैंने मतदान के जो है आखिरी दिन तक, तो इनको भी उस तरह से उसी के आधार पर दिया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। और लगातार जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर के अधिकारी पर भी सवाल उठ रहे हैं, ईडी की तरफ से बुलाया जा रहा है, और मंत्री भी गिरफ्तार हो रहे हैं ईडी के द्वारा, और तमाम छापेमारी भी हुई, और उसमें जिस तरह से करोड़ों रुपये बरामद किए गए, एक मंत्री के सचिव के नौकर के यहाँ से, तो उन पर बहुत सारे आरोप हैं, तो उनके लिए तो उस तरह से नहीं है कि अपनी जीत को लेकर जिस तरह से वो एक प्रयास होता है, तो उनको लेकर उस तरह से चर्चा भी नहीं है। हालांकि कल्पना सोरेन भी प्रचार कर रही हैं, हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी, अब उसका कितना असर होगा वो तो बाद में पता चलेगा, कि तीसरे नंबर पर रहते हैं या चौथे नंबर पर रहते हैं, लेकिन मुकाबला तो मुख्य रूप से जयराम महतो और CP चौधरी के बीच में ही है, और 25 मई का दिन जो है वो चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए बहुत ही टेंशन भरा दिन होगा, और चाहेंगे कि जितना जल्दी इसका जो है वो नतीजा आ जाए। उसमें जयराम महतो के आंदोलन, उनके सपोर्टरों के आंदोलन में जो उनकी जो भागीदारी रही है, इन सब पर चर्चा होगी। हार जीत तो अलग मसला है, क्योंकि बहुत कम दिन का संगठन है, और उसके बाद जो है वो उनको प्रचार के लिए जिस तरह से समय मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, नामांकन के बाद से जिस तरह से उनके खिलाफ साजिशें हुई, और साजिशें लगातार चलती भी रहीं, अभी तक जो है वो चल ही रही हैं, तरह तरह की साजिशें हैं, तो उनकी खुशी इसलिए अधिक होगी क्योंकि वो इतिहास के पन्ने पर आएंगे, और CP चौधरी को अगर हरा देते हैं तो वहाँ से उस आंदोलन का भी जिक्र होगा, उनका भी जिक्र होगा, उन मुद्दों का भी जिक्र होगा, और झारखंड को लेकर जो एक सपने जगाए गए हैं या कुछ सपने जगाए गए हैं युवाओं और छात्रों के बीच में, उन पर चर्चा होगी, और वहाँ से झारखंड एक अपने आगे के गंतव्य की ओर, अपने आगे की दिशा की ओर एक जाने के लिए कहीं ना कहीं एक पहल की शुरुआत होगी, और उसमें देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से जो है जयराम महतो अपने संगठन को लेकर, अपने नए दल को लेकर किस तरह से मेहनत करते हैं, और किस तरह से उसकी मजबूती के लिए दम लगाते हैं, उसको मजबूती प्रदान करते हैं, किस तरह के लोग
उनसे जुड़ते हैं और कहाँ तक उनका साथ देते हैं, सभी सवाल जो है वो अभी जो है वर्तमान के गर्भ से बाहर निकल के भविष्य के गर्भ के लिए सुरक्षित हैं कि इन पर चर्चा होगी, चाहे जिस किसी भी रूप में हो। क्योंकि अभी पूरी जो उनकी टीम है, युवाओं की टीम है, तो ऐसा लगता है कि एक भविष्यगामी टीम है, भविष्य को लेकर सोचने वाली एक टीम है जिसको, और जिसके हाथ में अभी कम से कम 25-30 साल का तो बहुत ही अच्छे से समय है, और उसमें उनके सामने बेहतर करने का विकल्प है, और कोई ऊब नहीं है, कोई उकताहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कोई येन किन प्रकार सत्ता पाने की ललक और वो उस तरह से बेचैनी नहीं है। तो इन सब के बीच में जो है जयराम महतो आगे बढ़ेंगे और उनके लिए जो भी कुछ संभव होगा भविष्य में उस तरह से दिखेगा। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए खासकर, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि गिरिडीह का सांसद आप मुझे ही समझें और प्रधानमंत्री तो मैं आपका हूँ ही, तो उनको जिताने के लिए, यानी सीपी चौधरी को जिताने के लिए एनडीए ने काफ़ी मेहनत की। प्रधानमंत्री खुद जो है वो कोडरमा और गिरिडीह की सीमा पर जो है वो उन्होंने सभा की और गिनाया कि कितना काम उन्होंने किया। यह तो सीपी चौधरी को मौका ही नहीं दिया कि सांसद महोदय खुद कुछ गिनाएं कि उन्होंने क्या किया, खासकर सांसद निधि से। तो ऐसे में अब 25 मई का दिन जो है वो काफ़ी एक इतिहासों से और इतिहास के की घटनाओं से किसी न किसी रूप में वो एक जुड़ जाएगा और उसकी चर्चा भविष्यगामी तो होगी ही, और उस 4 जून के बाद भी होगी, और रिकॉर्ड मत वाली बात भी उनकी जो है वो उस सपने को भी टूटते हुए प्राय लोग देखेंगे कि 2,48,000 से जो उनको जीत मिली थी या लगभग 2.5 लाख की जीत थी, उस रिकॉर्ड को वो शायद तोड़ नहीं पाएँ और बहुत नीचे रह जाएं, और उन सभी के जो उनके वोट थे वो जयराम महतो की तरफ शिफ्ट न कर जाए। और जयराम महतो के बारे में ऐसा तो कहा ही जा रहा है कि जिस तरह से जो दिखा है कुछ ही दिनों के चुनाव में दिखा, प्रचार में दिखा, कि लगातार जो है उनके पीछे और सभाएं हुई और जिस तरह से सभाओं में भीड़ जुटती देखी गई, हजारों की संख्या में महिलाएं भी खूब पर्याप्त मात्रा में आईं, बुजुर्ग भी थे, युवा और छात्र तो थे ही। तो ऐसा लग रहा है कि 25 मई का जो दिन है वो एक तरफ जयराम महतो के लिए अधिक खुशियों को लेकर के आएगा और एक दूसरी तरफ जो है वो चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए टेंशन। यह सच है कि हार जीत का तो लगा ही रहता है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन एक युवा नेता के मैदान में आ जाने से और उनके समर्थकों के मैदान में आ जाने से उनकी लोकप्रियता, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ने से बेचैनी और अशांति संभव है। क्योंकि जिस तरह से आज की तारीख में उम्मीद की जाती है, अगर चंद्र प्रकाश चौधरी ने उसकी पूर्ति नहीं की वोटरों के लिए, मतदाताओं के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए, तो उनके लिए चिंता स्वाभाविक है। और इसी उनकी चिंता से कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद जगी है जयराम महतो को लेकर, तो उसे भी हम लोग देखेंगे और सभी लोग देखेंगे, और उसके बाद जो है वो 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो तो सभी लोग उससे परिचित होंगे। नमस्कार, जोहार।